देखिए कैसे फूक रही है, और हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे। मरा दी देखिए, मरा दी वहाँ पे देखे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चारी बेटी ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 24 तारीख है और होलिका दहन का आज दिन है। वो तो रात के बाद होता है होलिका दहन हम लोग का गांव तरफ। तो आप सभी को होली का ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम लोग सारे परिवार अपने कामों में लग गए हैं मॉर्निंग का टाइम में। आप सब तो देखिए, हम लोग का घर हालत इस प्रकार है, बैगन वगैरह रहता है, सारे कुछ टमाटर वगैरह है, तो थोड़ी बहुत इस प्रकार हो गई है। लेकिन जो भी बन पड़ेगा हम लोग अभी सारे परिवार मिलकर सफाई करेंगे। देखिए प्रिया बेटी अभी गोबर लेकर आई है इसमें हाथ में, और सारे लोग अभी चारू भी अपना काम कर रही है इस जगह पे, और सोना जी भी अंदर में काम कर रही है। तो आज का ब्लॉग तो थोड़ा अलग टाइप से होगा, तो ब्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिएगा। अभी फिलहाल हम लोग इधर सफाई करेंगे। मम्मी अकेले कितना करेगी, आए हैं तो सब कर देंगे। ऐसे करके गए थे लेकिन इस तरह से हो गया है, देख रहे हैं पूरा इस तरह से बिखरा पड़ा है। तो चलिए फटाफट से करते हैं सारे कामों को, और होली का, और सोना जी भी अपना काम में पूरी लगी हुई एकदम सुबह से, एकदम यहाँ वहाँ जा रही आ रही है। इतना हम लोग का सामान ही बिखरा पड़ा है ना कि क्या करें ना करें कुछ समझ में आता है, लेकिन करेंगे जितना भी बन पड़ेगा। और होली का शुभ अवसर पे ना यहाँ पे जादू वाला आया है। आप सब देखिए यहाँ पे जादू क्या क्या बोलता है, वो कब क्या बोलेगा क्या करेगा वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है। हम लोग गाँव का लड़का को ले लिया है, बोल रहा है कि यहाँ पे एक बाबू घुसा है, यानी कि पहले तू देखेगा कि मैं उठाए तो अंदर में देख, वो देख सो रहा है कमरा कमरा सफेद सफेद का दे, बहुत जोर करता है सर, पकड़ लिया ऊपर से छू के देख। ऐसे ऐसे क्या मचक, अभी तेरा आदत नहीं है बचपन का मचकने वाला, अबे मत मचक। जादू देख के उधर से आ गए, और चारू की मम्मी अपना काम में एकदम पूरा जोर से लगी हुई, अंदर से लिपाई करते करते आ रही है बाहर, क्योंकि मम्मी लिपाई ही नहीं की थी लगता है ना, कभी कांटा बज गया बाल देख रहे हैं। और चारों तरफ लिपाई कर दे रहे, और हम लोग को सरसों भी तो यहाँ पे घाटना है ना, तो गोबर वगैरह ला दिया और हम इधर से छोलाई करते पूरा वहाँ तक ऐसे सफाई कर दिए हैं फिलहाल। और चलते हैं अभी हम अपना वीडियो अपलोड करने, उस जगह पे जाकर अपलोड करते हैं। थोड़ा टाइम में हो जाता है जगह पे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होता था मेरे लिए। तो अच्छे से नहा धो लिए, और चारों की मम्मी एकदम पूरे अच्छे से चारों तरफ लिपाई कर दी वहाँ तक पूरा फ्रेश से। उधर का भी कुछ घास हम लोग कबाड़ दिए मिलजुल के, वहाँ वाला भी आप सब तो देखिए, इधर का भी लिपाई हो गया इधर का भी, और काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। देखिए अभी कम से कम 9:30-10 लगभग बज गया। चारू बेटी को हमने नहा दिया अच्छे से, चारू भी अभी मम्मी के साथ में है और थक गई है ना, तो जो चीनी था हम लोग के पास गिफ्ट वाला उसको घोर के पी ले रहे हैं। अभी तक खाना नहीं खाए हैं क्योंकि ना 10 बज गया, अब तो क्या ही करे, काम काफी ज्यादा था और पूरे रूम के लिपाई की मम्मी तो करने नहीं सकती है, पूरा थक जाती है। तो पूरा एकदम सामान बिखरा पड़ा था, ओरिया के लिपे चारों तरफ, इधर का चौकी सब हटा हुटा के लिपे, और रूम का भी पूरा क्लीन किए हैं, इधर का भी किए। तो अभी बस शरबत बना के पी रहे हैं, पूरा थक गए ना जी, बोलने भी नहीं सक रहे हैं क्योंकि 9-10 बजे तक दोपहर खाना खा लेते थे ना, तो शरबत बन रहा है अभी पी लेंगे। और अभी हम लोग का खाना नहीं बना है, रात का ही खाना है बना था, जो पूड़ी छोले और चावल थोड़े बहुत होंगे तभी उसी को नाश्ते कर लेंगे। दोपहर में देखते हैं खाना वगैरह बनेगा जो भी, तभी फिलहाल हम लोग चलते हैं उसी को थोड़े थोड़े बांट के खाना खा लेंगे। आज प्रिया ने नहा ली है अच्छे से और पूरा क्लीन है। कल हम ब्लॉग में आप सभी का ना इसका आवाज़ जो था उसको हम दबा दिए थे, क्योंकि ना ये काफ़ी ज़्यादा थी, दूसरे टाइप से आप लोग देखे होंगे। और इसको अभी सौरभ जोशी और पीयूष का और उसका छोटे भाई कुनाली का दिखा रहे थे ब्लॉग के, देखा कैसा कैसा करते हैं। तो कम से कम ब्लॉग में तो सपोर्ट कर ही सकती है, घर में रहेंगे तो करेगी ना। कल रंग खेलेंगे, होली खेलेंगे, बोल रही हम भी ब्लॉग बनाएंगे उसी तरह से, और पढ़ाई भी करती है ऐसा बात नहीं। और चारू तो देखे कपड़ा पूरा खोल के घूम रही है, चारू इधर मम्मी नहीं इधर आओ, कल हम लोग भी देखे ना पूरे अच्छे तरीके से होली खेलेंगे, पूरा मजा आएगा का। चलो यार, मम्मी उधर गई, मम्मी अभी नहाने गई ना काम करके। हाँ मम्मी उधर गई है,
फाइनली 11 बज चुका है, अभी तक हम लोग का खाना नहीं बना है। रात का जो पूरी छोला था सारे खा लिए, अभी चलते हैं हम लोग खाना बनाने। चार गुमी थक गई है तो गई है अभी दबाने। यहाँ पे हमारे लकड़ी है, प्रिया को बोले हैं कि चलिए हम लोग मस्त एकदम चावल बनाएंगे और टमाटर की चटनी, अरवे चावल का भात बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तभी चलते हैं, फिलहाल यहाँ से लकड़ी लेके चलेंगे। तभी हमने इतना सारा लकड़ी ले लिए हैं और प्रिया को बोले हैं कि चलो तुम तैयारी करो, टमाटर वगैरह काट रही है कि नहीं देखते हैं। टमाटर काट रही है तुम कहाँ, देखते हैं ना तुमको किधर कटिंग कर रही है, यहाँ पे बैठ के कटिंग कर रही है। हम लोग खाना बनाना प्रोसेस में लग गए हैं। यहाँ पे हमने चावल, अरवे चावल है तो इसको अच्छे से धो के रख दिए हैं और आग भी जला दिए हैं। यहाँ पे देखिए जलेगा, गैस होता था तो वहाँ दिक्कत नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे चूल्हे को धराना है, लकड़ी को धराना है। और प्रिया बेटी पूरे यहाँ पे तवा पे लगा दी है राख, ताकि छुटकाने में आसान होता है बर्तन धोने टाइम। और अभी ये इसको कटिंग करेगी, तब तक यहाँ पे आग जलेगा, जैसे ही अधन चढ़ाएंगे हम उसके बाद में खाने को बनाएंगे। और ये अलमारी हम लोग जब से बना के गए थे ना तब भी लिपाई किए थे, अभी आके चारों मम्मी पूरा साफ की, पूरी तरह से गंदा था। और अब मेरा फिलहाल आग जल चुका है, चलो चढ़ा दो, इस पे चढ़ाओ। ये सीख रही है खाना बनाने के लिए, अभी बालूल पूरा अच्छे से चढ़ा ली है अभी चढ़ा दिए हैं हम लोग का, फटाफट से खाना बनाते हैं। अब गाँव में खाना बनाना काफी मुश्किल है, देख रहे ना काफी ज्यादा एकदम धुआं उड़ रहा है, मेरा आंखों से एकदम इस तरह हो रहा है। और हमने यहाँ पे फोरन वगैरह डाल दिए हैं, अब डालते हैं टमाटर को, फटाफट से बनाएंगे। हमने जो बना रहे थे चावल और चटनी सो बन गया, लेकिन चारों को मैं एक और साग बना दी ताजे ताजे। तभी का हम लोग का ये रहा लंच, चार्ज लगाए हैं और इसी के साथ में हम शूट कर रहे हैं क्योंकि लाइन काफी मुश्किल से आता है। तभी का हम लोग ये लंच रहा, तभी चलते हैं हम खाते हैं, आइए आप सब भी खाने। दोस्तों अभी शाम हो चुका है और आप सब एक्सपेक्ट किए होंगे और हम भी एक्सपेक्ट किए थे कि नया कपड़ा ले ही लेंगे, लेकिन लेने के लिए हम लोग का ना पैसा ही नहीं पूरा, जो आ रहे थे ना तो बस में ही भाड़ा लग गया, आते आते इधर ऑटो में भाड़ा लग गया, और आने के बाद में कुछ भी काम थे तो उसमें भी पैसा लग गया, तो हम लोग नहीं लेने सके। लेकिन होली मना रहे हैं तभी हम लोग, आज 24 तारीख है, शाम को हम लोग फटेका वगैरह छुरछुरिया वगैरह जलाते हैं। तो ये प्रिया बेटी को दे दिए हैं, जलाएगी तो आग लाई है तुम, तो हम लोग इसी तरह करके गांव में फोड़ते हैं, ये फटेका यहाँ फोड़ेगी और देखिए कैसे फूक रही है। और हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे, मरा दी देखिए मरा दी वहाँ पे, देखिए फूट गया, काफ़ी ज़्यादा रिक्स होता है, साथ में ही मरा दी थी, देखिए इस तरह से आग इधर उधर छिटा गया, तो ऐसे ही कर रही है देखिए, और एक मरा दिया हम भी भाग गए, ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों अभी हम लोग छुरछुरी जलाएंगे, चलो छुरछुरी जलाओ उसको, नहीं इसको जलाओ, अब इसको ये माचिस से जलेगा। और चारू बेटी ना भाग गई है डर से, जल्दी लेकर आओ, मम्मी यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं। सुबह हम लोग होली खेलेंगे तो मम्मी के साथ में फिर शेयर करेंगे सारे वीडियो, अभी तो रात का बन रहा है, फटेका हम लोग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग छुरछुरी जलाएंगे, देखिए प्रिया बेटी जला रही है, किस तरह से जलाती है, अच्छा से जलाओ, पूरा जलाओ, देखा इसका हाथ जल रहा है, नहीं जलाने सक रही है प्रिया बेटी, देखिए जला दी, दो हम भी जलाएंगे, दो दो ला ला ला, रुको इतना जोर जोर से नहीं करो, लाएगी तब ना, रुक जाओ एक हम जलाते हैं, रुको यहाँ पे करते हैं जबूत किया दोस्तों देखिए बाबू को दे रहे हैं, लो पकड़ो 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 पकड़ो, काफी ज्यादा डरता है, पकड़ेगा तब ना, काफी ज्यादा डरता है, लो। तो अभी हम लोग जला लिए, आप सब जलाए कि नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा, हम लोग इसी तरह करके मनाते हैं। अब बाबू काफी ज्यादा डरता है दोस्तों ना, थोड़ा थोड़ा चिंगारी निकलता है ना उससे, तो दागता है ना बाबू, इसको दाग रहा था, जा रोड तरफ फटका फोड़ना, नहीं फोड़ेंगे। तो दोस्तों वो लोग चले गए थे पानी लाने टंकी, अभी अभी आए, तो छुरछुरी नहीं जलाएगी बेटा, नहीं एक जला दो, एक जला दो, चलो पकड़ो रे बाबू, चलो जलाना ना चारू, एक जलाओ, होली का नहीं जलाएगी, एक जलाओ, रुको अभी चलो जला दो और देंगे ना, देखिए अभी चारू आ चारू ये नहीं पकड़ेगी, अभी इन लोग का परिधान, चलो डरती है छोड़ दो, डरती है। हम लोग पूरी तरह से एंजॉय किए पूरे परिवार, उसके बाद में अभी शाम का डिनर कर रहे हैं, तो हम लोग का डिनर इस तरह से बना हुआ है अभी, देखिए यहाँ पे कटहल का सब्जी और ये घर का ही चावल का भात बना हुआ है, और चारों को मम्मी थोड़ा सा हमको भी साग दीजिए, तभी हम ऐसे खा गए थे, देख रहे हैं, देखें 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 नाक देखें नाक देखें नाक देखें नाक देखने से कुछ नहीं होगा, हाँ चलिए। और यहाँ प्रिया खा रही है, यहाँ मम्मी का लग गया है, यहाँ बाबू, सारे लोग अभी मिलजुल के एक ही साथ में खा रहे हैं, तो कटहल का सब्जी बना हुआ है एकदम मस्त, तभी हम लोग खाते हैं दोस्तों, आइए आप सब भी खाने। और इस प्रकार काफी सुंदर दिख रहा है, कुकर में बनाया है क्या, कुकर में बनाया, मेरा प्यारी चारू बेटी से नहीं मिला है, इधर देखो बेटा कैसे खा रही है, देख रहे हैं ना एकदम अच्छे से पूरा एकदम, और नमक इसमें काफी ज्यादा डाली है ये। तो चलिए दोस्तों हम लोग खाना खाते हैं अभी, मॉर्निंग अभी हम रात का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी 4 बज रहा है मॉर्निंग का, और ये पटेका लेके जा रहे हैं होलिका दहन करने, और यहाँ पे देखिए
चांदी रातों में। आज का दिन यही तो होली का महत्व है। हम लोग का गांव में किस तरह से होली का दहन होता है आप सभी को दिखाएंगे। अभी डाल में तू कहा होता बैल के ने खड़ा होता तो कहाँ कर तरफ बनाना खान फूट तो सब पता नहीं चला बारे से पता चला फटेकवा कहाँ गेले फटेकवा मुर्गा छाप है दोस्त देसी मुर्गा। तो अब सारे लोग यहाँ पे जला लिए, उसके बाद में इस तरह से जो होलिका दहन होता है ना उस राख को यहाँ पे टीका लगा देते हैं जो हमसे बड़े होते हैं और हम लोग पैर छूते हैं। राइट बार वहाँ मारो टान के आगे मार गिरा दिला तो काम हो गया। देखा तो कौन है तुम कैसे नहीं बस सुना रहे पंजरिया निकाले है ना पार्क में।